इस बीच एक ऐसी महिला है जो कैंसर पीड़ित होने के बावजूद तो कोविड मरीजों को मदद भी पहुंचाती है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और उसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला एम्बुलेंस ड्राइवर से मिलवाते हैं जो लगातार कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवा रही है और इसी के साथ में जो डेड बॉडी है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनको शमशान घाट भी लेकर आती हैं। और ये जो महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है इनका नाम है ट्विंकल कालिया, जिनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरफ से उनको सम्मान भी मिल चुका है। इनसे बात करते हैं। मैडम, कैसे आप पूरा काम कर रही हैं और अब तक कितने जो कोविड मरीज हैं उनकी मदद कर चुकी हैं, उनको अस्पताल पहुंचा चुकी हैं? 100 से अबव अभी तक कोविड पेशेंट्स को हम लोग अभी इसी दौरान इस बारी लॉकडाउन में शिफ्ट कर चुके हैं और 50 से ज़्यादा लोगों का क्रिमिनेशन करवा चुके हैं, जिनके घर वालों ने बोल दिया था कि हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। मैडम, आप ही आइएगा, अपने साथ कुछ लोगों को लेके आइएगा जो बॉडी उठाएं और संस्कार करा के वीडियो हमें भेज दीजिएगा। और शिफ्टिंग का, किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है या सिटी के लिए लेके जाना है, उसमें भी हम पूरी मदद कर रहे हैं। जी। और मैम, दिन भर में कितनी आपको ऐसी कॉल आ रही हैं? और सबसे बुरा वक्त है इस वक्त का जो कि लगातार कोविड फैल रहा है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख रही हैं और फिर लोगों की मदद कर रही हैं? ये तो प्रभु की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है कि कहीं से शक्ति आती है और हम लोग चल पड़ते हैं। बाकी पीपीए किट द्वारा सैनिटाइज करके, और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते मैं ये सेवा दे रही हूँ। महिलाएँ बहुत स्ट्रांग हैं, अगर हम कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि अपने परिवार को, एक महिला अगर ठान ले तो हर सब कुछ कर सकती है। अपने परिवार को आप अपने घर में सुरक्षित रखिए, कम से कम बाहर भेजिए। और दूसरा, अब ये जो तीसरा चरण आने वाला है जो कि बच्चों के लिए बहुत घातक है, तो ये कल से, जब से मुझे पता चला कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर होने वाला है, तब से मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि ये वाले चरण को हम ना फैलने दें, इस कोविड को जो है यहीं पे खत्म हो जाए, प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करे, पर उसमें हमारा पूरा सबका सहयोग चाहिए। और अब